ये आकाशवाणी है। अब आप नईम अख्तर से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित कर रहे हैं। ये कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती के अवसर पर भोपाल में जम्बूरी मैदान में आयोजित किया गया है। भोपाल के कार्यकर्ता महाकुंभ में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्राएं भी संपन्न हुई। ये 5 यात्राएं राज्य के सभी प्रमुख क्षेत्रों से निकाली गई थी और इन यात्राओं ने कुल मिलाकर 1 करोड़ से अधिक लोगों से संपर्क किया और 10,800 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की। इन यात्राओं के साथ मध्य प्रदेश के मन में मोदी नामक सदस्यता अभियान भी चलाया गया और 25 लाख से अधिक नए सदस्यों का पंजीकरण किया गया। प्रधानमंत्री का आज राजस्थान के जयपुर में परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। ये महासभा राज्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली गई परिवर्तन संकल्प यात्राओं के समापन अवसर पर आयोजित की जा रही है। जयपुर शहर के नज़दीक दादिया गांव में आयोजित होने वाली इस बैठक के लिए भाजपा ने विशेष तैयारियां की हैं। श्री मोदी जयपुर के पास धानक के गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित भारतीय वायुसेना के हिंडन एयरबेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किया। भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया इस कार्यक्रम की सह मेजबानी कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान श्री सिंह औपचारिक रूप से C-295 परिवहन विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल करेंगे। 2 दिन के इस कार्यक्रम में वायुसेना प्रमुख VR चौधरी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित हैं। आयोजन में 75 से अधिक ड्रोन स्टार्टअप और कॉरपोरेट संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी हो रही है। भारत ड्रोन शक्ति कार्यक्रम में केंद्र सरकार, राज्य विभागों, सार्वजनिक और निजी उद्योगों, सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और मित्र देशों के प्रतिनिधियों सहित लगभग 5,000 प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। कुल 56 एयरबस C-295 विमान भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाएंगे। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल अरुणाचल प्रदेश में तेजू हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने बताया कि तेजू टर्मिनल के भवन को 212 एकड़ भूमि पर 170 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में अब कुल 4 हवाई अड्डे हो गए हैं। श्री सिंधिया ने घोषणा की कि भारत सरकार की उड़ान 5 योजना के अंतर्गत जल्द ही ईटानगर को रूपसी, जोरहाट और दिल्ली के साथ जोड़ा जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने नागरिकों, संस्थानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए 1,028 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की हैं। ई प्रशासन की ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। केरल 911 ई सेवाएं प्रदान कर रहा है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि ने ई सेवाएं प्रदान करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर ने अग्रिम स्थान बना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का व्यक्तित्व और कृतित्व देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। चीन के हांगचोंग में एशियाई खेलों में भारत ने आज पहला स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में रुद्रांश पाटिल, दिव्यांग पंवार और ऐश्वर्य तोमर की भारतीय तिकड़ी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की 10 मीटर राइफल प्रतियोगिता में कांस्य पदक भी जीत लिया है। पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारत आज कांस्य पदक जीतने में सफल रहा। भारत ने रोइंग में आज 2 कांस्य पदक जीते। मेंस 4 टीम स्पर्धा में जसविंदर सिंह, भीम सिंह, पुनीत कुमार और आशीष टीम ने कांस्य पदक जीता। पुरुषों की क्वाड्रपल स्कल्स प्रतियोगिता में भारत के सतनाम सिंह, परमिंदर सिंह, जाकर खान और सुखमीत सिंह की चौकड़ी ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।